good morning and welcome to itrc technologies online classes this is azaruddin working as vocational trainer information technology at gomit high school bhartun ramban in this video we are going to discuss lecture number five from introduction to information technology information technology enabled service industry for level one class 9th. जैसा कि आप सब जानते हैं रिसेंट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिस्कस की थी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे यूज होती है तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे आई इन एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में Information technology has had a major impact on the entertainment industry. Internet is a major source of entertainment. One can download and view movies, play games, chat, use multimedia, incorporate visual and sound effects using computers, etc. Digital broadcasting has changed the way we experience television with more interactive programming and participation. Information technology has major impact, hai, major Kispe entertainment. इंडस्ट्री पे एंटरटेनमेंट क्या होता है जिससे हम खुद को एंटरटेन करते हैं ठीक है चाहे वो आप गेम खेल रहे हो कोई मूवी देख रहे हो तो वो क्या होता है उसको हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बोल सकते हैं तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है किस पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे तो इंटरनेट मेजर सोर्स है सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका एंटरटेनमेंट का आजकल देखो इंटरनेट पे आप गेम्स खेलते हो ऑनलाइन गेम्स होती हैं ऑनलाइन मूवीज़ देखते हो आप ठीक है चैट होता है मल्टी आप यूज़ कर रहे हो ऑडियो विजुअल साउंड सौंडस क्रिएट कर रहे हो ठीक है रिकॉर्डिंग जो सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग्स हो रही है उसमें क्या हो रहा है वो कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं तो ये सारा हम क्या बोल सकते हैं ये सारा क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट है और इंटरनेट जो है वो मेजर सोर्स है किसका एंटरटेनमेंट क्योंकि इंटरनेट की वजह से हम आजकल मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हैं गेम्स खेल सकते हैं ठीक है चैट कर सकते हैं तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं नेक्स्ट इज आई टी इन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज यूज टू कन्वे मैसेजेस एंड आइडियाज पिक्चर्स आर स्पीचेस अ पर्सन हु रिसीव दिस मस्ट क्लियरली क्लियरली अंडरस्टैंड एंड करेक्टली मॉडर्न कंप्यूटर्स मेक यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वी यूज कंप्यूटर फॉर ई मेल चैटिंग एफ टी पी टेलनेट एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलता है कम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेशन क्या होता है रिसेंट लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया कम्युनिकेशन होता है जब आप किसी के साथ अपना मैसेज कन्वे करते हो उस तक अपना मैसेज पहुंचाते हो अपने आइडियाज़ किसी के साथ शेयर करते हो अपनी पिक्चर्स किसी के साथ शेयर करते हो या अपनी स्पीचेस ऑडियंस के सामने शेयर करते हो तो उसको क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन तो क्या बोलते हैं जो जो इंसान कम्युनिकेशन करता है वो क्या होता है सेंटर होता है और जो इंसान उस कम्युनिकेशन को रिसीव करता है जो इंसान उस कम्युनिकेशन को रिसीव करता है वो क्लियरली और करेक्टली उसको क्या करता है अंडरस्टैंड करता है तो आजकल जो मॉडर्न एरा जो चल रहा है हमारा इसमें कम्युनिकेशन किसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स कैसे हो रहा है जो हम ईमेल्स एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं चैटिंग कर रहे हैं ठीक है, है? टेलनेट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं तो ये किसकी वजह से सब विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो रहा है नेक्स्ट इज आई टी इन बिजनेस कंप्यूटर्स आर यूज इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेरोल कैलकुलेशन बजटिंग सेल सेल्स एनालिसिस फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग स्टॉक्स अ लॉट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हैपन थ्रू इंटरनेट कॉल्ड ई कॉमर्स ई कॉमर्स ऑफर्स सर्विसेज pertaining to process inventory management transactions documentation presentations and gathering product information अब देखो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ पे हो रहा है बिजनेसिस में भी हो रहा है वो कैसे हो रहा है देखो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहे हैं कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं किसके लिए हो रहे हैं पेरोल कैल्कुलेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं बजट बनाने के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ सॉफ्टवेयर्स का यूज़ हो रहा है सेल एनालिसिस का सेल एनालिसिस के लिए फाइनेंशियल फारकास्टिंग के लिए ठीक है सेल एनालिसिस मतलब एनालाइज करने के लिए हमारी सेल इस साल कितनी होगी अगले साल इस साल कितनी हुई अगले साल कितनी होगी फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग क्या होता है मतलब फाइन आपने देखना है हमारा इस साल बजट कितना रहा अगले साल कितना रह, रहेगा तो ये सारा किसकी या स्टॉक्स को अगर मैनेज करना होगा ये सारा किसकी वजह से हो रहा है ये कंप्यूटर्स की वजह से हो रहा है या जब या, हम बोलेंगे ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो रहा है अब देखो लॉट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी मतलब मैक्सिमम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आज क्या हो रही है पेमेंट जो हो रही है जो हो रही हैं जो पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हो रहे हैं जिसको हम ई e कॉमर्स भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी बोलते हैं तो आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिजनेसेस में भी नेक्स्ट इज आईटी इन बैंकिंग अब बैंकिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल क्या है कंप्यूटर्ज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम एवरी एक्टिविटी ऑफ अ बैंक इज़ नो ऑनलाइन द कस्टमर्स डेटा एंड ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड बाई कंप्यूटर्स बैंक कस्टमर्स यूज़ ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स फॉर कैश डिपॉजिट्स एंड और टू व्यू करंट बैलेंस बोलते कंप्यूटर असेंशल पार्ट बन चुका है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम का पहले ज़माने का जो बैंकिंग सिस्टम था तब कंप्यूटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था लेकिन जो आजकल का बैंकिंग सिस्टम है मॉडर्न इरा का बैंकिंग सिस्टम है इसमें कंप्यूटर का इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आज देखो हर कोई एक्टिविटी बैंक की आज क्या हो रही है ऑनलाइन हो रही है कस्टमर का डाटा हो वो ठीक है या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना हो ये सारा किससे हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स से विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज देखो हम ए टी एम मशीन यूज़ कर रहे हैं उससे ए टी एम मशीन से हम क्या करते हैं कैश हमने निकालना होगा कैश हम निकाल भी सकते विद्रॉ भी कर सकते हैं डिपॉजिट करना होगा डिपॉजिट वाली ए टी एम मशीन भी होती है या हमने करंट बैलेंस चेक करना होता है हम एटीएम में जाएंगे अपना एटीएम कार्ड डालेंगे अपना पिन डालेंगे हमें सब कुछ पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी हमें ब्रांच पे विजिट करने की ज़रूरत नहीं है ये सब किसकी वजह से हो रहा है ये सब विद द हेल्प ऑफ इंफॉमेशन टेक्नोलॉजी हो रहा है नेक्स्ट इज़ आई टी इन हेल्थ केयर हेल्थ केयर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है आई सी टी इज़ यूजड इन द हेल्थ केयर सेक्टर इन न्यूमरस वेज़ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम इज़ यूज टू मेंटेन एंड मैनेज पेशेंट्स रिकॉर्ड्स एज वेल एज वेरियस एक्टिविटीज़ परटेनिंग टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन द कम्प्यूटराइज मशीन्स आर यूज फॉर ई सी जी ई ई जी अल्ट्रासाउंड एंड सी टी स्कैन आई टी हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे वेज से यूज हो रहा है मतलब बहुत सारे तरीक़ों से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्थ सेक्टर में यूज़ हो रही है जैसे एक एग्जाम्पल दी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम ये किस लिए यूज़ होता है ये होता है इसमें क्या कर सकते हैं इसमें पेशेंट का रिकॉर्ड मैनेज या मेंटेन कर सकते हैं और दूसरी जो हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी क्या कर सकते हैं रिकॉर्ड कर सकते हैं आज देखो ए मशीन है सी स्कैन मशीन ये सारा क्या है ये कंप्यूटराइज है तो ये सारा ये सारा किसकी वजह से हो रहा है जो रेवल, जो, जो, जो हेल्थ सेक्टर में जो रेवोल्यूशन आया ये किसकी वजह से आया ये सारा विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच